शुभ दिन से जो आपने कागज भरे ने उदो सारे इतने एकत्र हो और असं एक दूजे नाल गलबात कर सकते ये पहला दिन है अपना इस चोन का और जिस तरीके हवा बन रही है जो प्यार मिल रहा है पटियाले वो मैं सवेरे का ही देख रहा मैं भी लेट हो गया सी आते धुप बड़ी सी रस्ते लेकिन वो बावजूद लोग खड़े से रस्ते और ये जरा अज तुम इतने भी असं हम कागज भर के आए हो तुम जो इतने इकट्ठे हो सारे अपना प्यार देने अपना आशीर्वाद देने ये एक बहुत मेरे वास्ते बड़ी चीज है। अपने समस्यावां बहुत ने ये बार बार मैं गलों के बीच कह सकूँगा और कहूँगा अगर सानू पता लगे कि हम प्रोग्राम बन रहा है अज इलेक्शन कमीशन ने सानू दस देना है कि किस किस्म के अगे इलेक्शन अलाउ करेंगे कत्ती अज तो कत्ती अज पता लग जूगा आप लेकिन जिस तरीके हालात बदल रहे हैं देश कोविड बढ़ रही है पता नहीं कैसे चलू किस किस्म की इलेक्शन होगी कैसे करेंगे पर जो भी होगा अपने ये रल के इलेक्शन लड़नी है इन्हें 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 कारण है ना पहली गल है कि पंजाब में समस्या बहुत है साढ़े बच्चों में आर्थिकता साड़ी किसानी का पवित साड़ी इंडस्ट्री के वास्ते साडा एजुकेशन ये सारी चीज़ें ने जो साढ़े सामने ने और वो वास्ते रिसोर्स की जरूरत है पैसों की जरूरत है अज थोड़ा इकनोमिक सिचुएशन जो पंजाब की है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है उस दिन 111 बिलियन रुपया दस रहा से जो चन्नी उठा है 33,000 करोड़ का वो भी बर्बाद करके चला गया था। साडा टोटल जो रिक्वायर साड़ी फंडिंग है जो साड़ी इकोनॉमिक है GSDP जिन कहने ने इट इज 5,35,000 करोड़ वो 70% असी कर्जा ले चुके हैं और जो 33,000 करोड़ रहना सी काम खत्म कर दिया था। हूँ इन अगर अपने अगे कोई नवी गवर्नमेंट आऊ पंजाब चलाने पंजाब चलाने वास्ते सू गवर्नमेंट चाहिए होगी दिल्ली जो पंजाब की मदद कर सके फाइनैशियल हेल्प कर सके जेडे सू पैसे दे सके कि आप तनखा भी दे सकी लोगों इस वे अगर तनखा भी अंदर पैसे लगे और अज 7 साल वास्ते मिनीम 7 साल वास्ते BJP की गवर्नमेंट इतने दिल्ली के पिछले 2 साल हो आज सरकार की और 5 साल दी जा सरकार फिर उसके बाद और उस तो बाद पता नहीं जो अकाल पुरख की मंशा हो गई हो लेकिन 7 साल है और 7 साल के बीच अगर असं गवर्नमेंट की खोलिए दिल्ली और पंजाब के बीच फिर उन्होंने मदद लैके आप पंजाब का मदद कर सकते हैं और ये साढ़े वास्ते है प्राइमरी साढ़े मसीन तो बड़े आप किसी नौकरियों की गल करते फिर वो पता नौकरियों में किन्नी लिखी ने 4.5-5 लाख लेकिन फिर भी पता नहीं लगता नए नए बच्चे आए जाते हैं नए नए आए जाते हैं और फिर ये बच्चे की चाहते हैं ये चाहते हैं कोई कैनेडा जाना चाहता है कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है कोई कुछ और नुकसान के रहा होगा साढ़े परिवार तो मेरी कोशिश ही और मैं उन्होंने कहा सी असेंबली मैनीफेस्टो में कि 1,00,000 करोड़ रुपये का मैं देखना चाहूँगा ये 15-5 साल बीच के धरती से लगे हुए ताकि इतने इंडस्ट्री लगे हुए इतने बच्चे हो और मैं खुशी है कि मेरे सरकार चलने तो पहला 18 सितंबर के पहले असी इतना पहुँच गए सी इसको अलावा यूनिवर्सिटी पटियाले जैसी 2 यूनिवर्सिटी में था एक थोड़ी MIT यूनिवर्सिटी है मोहाली के कोल एक थोड़ी अशोका यूनिवर्सिटी भी जी है अपने दिल्ली के कोल उन्होंने एक होर ब्रांच है प्लाक्षा यूनिवर्सिटी भी लाई हुई है। सो एजुकेशन तौर पर असं बच्चों को भी लगाना है उन्होंने वास्ते असं नौकरियों का प्रबंध करना है ये सारिया गलत आप देखने
दो गल्लां इह चक लैणियां पैंदियां ने। एक धार्मिक मसला दा फैसला कीता, हुण पहली गल्ल आपां समझण लगे धार्मिक मसला होया कि जिहड़ा बरगाड़ी मैमल कलां द्वारके और टुकड़ा होया जब मेरी गवर्नमेंट आई मैं वापस मैं लिखा केस वापस किया जाए पहला गया है सीबीआई को सीबीआई ने ना करती फिर असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखी उतने होम मिनिस्ट्री ने ना करती फिर असी होम इतने गवर्नमेंट हाई कोर्ट को भी गए उतने सी ना हो गई फिर असी गए सुप्रीम कोर्ट उतो सू वापस केस केस किया और केस किया कदों आप पिछले मार्च में अज कितने साल महीने हो गए 9-10 महीने हो गए और 9-10 महीनों के चारों एस आई टीज मैं फॉर्म कर दिया वो 19 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डी जी पी सुमित सैनी इंक्लूडिंग परमराज और कई एस एस पी होर ऑफिसर्स 19 ऑफिसर्स और सारा दूजे उन्होंने मुकदमे शुरू हो गए और वो आज सारे जमानत के पंजे फिर बाद वो असी एक केस जो कोर्ट को पूरा फायरिंग था वो उसी हाई कोर्ट में पर हाई कोर्ट ने उस एस आई टी को रद्द करता और कमर विजय प्रताप वाली रद्द करती और एक नवी एक एस आई टी बनाती जो हम इसमें लगी हुई है। तो ये साडा जवाब है उन्होंने कि तुसी भेजिया सी बी आई असी वापस लेके आए और असी वह हल ये कभी है कि अज के केसिस चल रहे हैं। दूसरा नशे नशा हाल बहुत है सारी दुनिया के बीच गया है कोई सूबा नहीं हिंदुस्तान में कोई नशा नहीं है लेकिन दोनों ये पता है जैसे मैं दस बंदा पता है कि जो असी लोगों इस नशे के बीच चाहे बड़ी बच्चिया ने चाहे छोटे ने पढ़ के किन्ने बंदे असी जेल च हैं किसी को आखने का पता 65,000 65,000 बंदा जो नशा के फसया सी बड़े ने छोटे ने वो जेल के गए ने 18 सितंबर में जो मैं सरकार छड़ी उदो 65,000 बन गया से 43,000 क्योंकि कई जमानत हो गई कई ये चीज़ें हो गई। सो असी अपने वालों कोई कसर नहीं छी किसी गल कर और मैं वाहगुरु करे फिर गवर्नमेंट आए असी जी कोई कसर करा रह गई उन्होंने आप पूरी करने की कोशिश करा लेकिन एक समझना कि इस चीज़ में आप नशिया बिल्कुल खत्म कर सकेंगे बिल्कुल मुका देंगे ये नहीं मुकनी दुनिया के बहुत असर पे अमरीका जैसा मुल्क जिथे 1930s 1930s जिथे ये एल कपोन वगैरह लगे होंगे से और बड़े बड़े इतने माफिया के लगे हुए से ओपीएम आप की कहने कोकेन वगैरह जो कुछ करते हैं नशे नुशे का उदों तो नहीं अज तक मुकया हूँ पिछे अमरीका ने एक सबमरीन पकड़ी जिते साउथ अमेरिका तो आ रही थी समुद्र के थल्यो ये लैके नशे लैके। सो ये काम इन्ना ही है कि जिन्ना असी कर सकते हैं जिन्ना प्रेशर पा सकते हैं साड़ी ड्यूटी बनती है पानी लेकिन अगर ये समझा कि रातों रात ही उन्हें उड़ जाने नहीं तुम्हें तो पता है कश्मीर विच थोड़ा है उड़ी एक जगह है उड़ी 1948 तो उतों लड़ाई चल रही है 1948 तो हम तक उड़ी के और उड़ी के सब तो ज़्यादा जी उतों आँदी है पाकिस्तान तो और अफगानिस्तान तो जरा नशा होता है उड़ी के राही आ उड़ी तो जाता है कश्मीर कद चंबा का साइड या कि सारे इधर पाकिस्तान की साइड तो इधर पंजाब के बच्चे। सो ये गल् आसानी ना ही खत्म होंगे हम कह रहे हैं रौला पाना कि असी ये करता जी फलाना करता चन्नी कह रहे हैं कि मैं 111 दिन के सब कुछ मुकाता एक पास कह रहे हैं कि कैप्टन साहब ने कुछ भी नहीं किया और दूजे साइड करते हैं एक 10 दिन बाद कि असी जी इलैक्शन लड़ा इन्नी प्राप्तियां की कैप्टन के असी उन्होंने इलैक्शन के उपर उन्होंने कारनामे असं लड़ा
तो इन्हें आप ही नहीं पता कि किस तरीके नाले बोल रहे ने समस्या ने। अगर मैं अज कमा करूँ कि कोई समस्या नहीं पंजाब की गल कर रही, पर नशे असी काबू कर ले, असी धार्मिक मसलों से चंगी तरह असी उन्होंने काबू पाया हुआ है, और जो होर डिवेलपमेंट के काम ने इंडस्ट्री के और साढ़े फर्ज करो किसानों का मसला तो है ही, किसानों का मसला कोई छोटी छोटी गल नहीं सी, कि किन्ने बंदे से साढ़े, और मैं इन्होंने मैंने तो कई बार टेलीफोन आया से कि एक्शन लो, मैं क्या मैं की एक्शन लवा, जोड़ा बंदा अपने अपनी रोटी अपने ढिड भरना चाहता है, मैं कैसे उन्होंने कहवा कि तू जा तू उ तेरे वास्ते कुछ नहीं अस कर सकते। असी नहीं रोकया इतने पंजाब के तकरीबन 132 जगह जिथे जिथे बड़े बड़े कंपनिया ने कारपोरेशन ने छोटे छोटे फैक्ट्रिया वगैरह लगिया से सारिया सारिया के किसान बैठे से, मैं किसी ने नहीं छेड़े उ क्योंकि ये छेड़न नहीं गल मुकती, ये मुकती है समझौते और अंत में समझौता ही होया। और मैं खुशी है कहते तुम सुने कि प्राइम मिनिस्टर किसी देश का उठ के पार्लीमेंट के माफ़ी मंगे, कहीं सुने दसो मैं दसो, इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो, कितने भी देख लो, कोई भी वाकया देख लो, कदे कोई प्राइम मिनिस्टर माफ़ी नहीं मंगता। मोदी जी ने इतने आके माफ़ी मंगी, ये बहुत बड़ी बात। और ये भी याद रखो कि जो इन्होंने जेडे मेरे होंगे तकरीबन 47 साढ़े किसान 407 किसान साढ़े पूरे हो गए से, उन्होंने हर किसान के परिवार को एक गवर्नमेंट नौकरी और 5 लाख रुपया मैं दिता से। और यही नहीं, जदों तो मैं आया 83 साढ़े इतने फौजी शहीद होए ने कश्मीर के, जोड़ा है ये सारे कही जाते हैं सिद्धू वगैरह, इन्हों पता तो हों नहीं कुछ बोलते हैं, और वो 83 वास्तियाँ कले कले परिवार को मैं एक नौकरी और असी 50 लाख रुपया उन्होंने कले कले ने दिता, क्योंकि वो देश के वास्ते शहीद हुए। तो ये गल्लां सियां किसानी वास्ते, गन्नियां दे जिक्र कर रहे हैं, गन्नियां दा भाव इन्हां जिन्ना चक दिता सी, कि कदे भी नहीं कहना चक्या गया सी। मैं अपने वालों ये मेरा पंजाब है, ये साडा पंजाब है, थोड़ा पंजाब है, इस पंजाब वास्ते जो साडा घर है जिते साडे बच्चे आउणगे, आने वाली पीढ़ियां इत्थे ही जम्मणगियां, इत्थे इत्थे ही इन्हां ने पढ़ना है, उन्हां बच्चों वास्ते असी जिन्ना कर सकते हैं असी करते हैं, करते रहेंगे। बीबिया वास्ते असी इन्ना कुछ किया, मैं असैम्बली सीटा असी रिजर्व करते हैं, उन्होंने कारपोरेशन करते हैं, अच्छी उन्होंने जेडे मुफ्त ही उन्होंने बस का ट्रैवल असी कर दिता बस के किराए, तो जिते ताई तो साढ़े को गुंजाइश सी वो असी पूरी की है। और ये मैं अगर सानू अगर मौका मिले एक बार फिर तो फिर हम टाइम आ गया कि असी अपना जी थोड़ी बहुत ही कसर रह गई ने पंजाब उन्होंने कड़ी और क्ढन इस लगे लड़ाई कढ़ूगी। उस देखो आप अगर गवर्नमेंट बनाई हो रही साढ़े नाल गवर्नमेंट दिल्ली के साढ़े नाल है और असी दोनों रल के और वो इन्ना इन्ना अपने सूबे को अगे ले जा सकेंगे कि शायद ये 7 साल इन्ना काम हो जाए करे कि पहला पंजाब कदे भी ना हो जाए। अगर ये हो जाए भूपेश जी बैठे ने, भूपेश जी दे मैंने मैं याद है उस दिन इन्होंने पिता जी मेरे बड़े नज़दीक दोस्त है, जब मैं उतो चौराहे तो लंघता से हर वेल इन्होंने दुकान से मैं रुकया करता सदों मैं भी शुरू किया अपनी अपनी पॉलिटिक्स जरा, पर इन्होंने उत्थे मैं याद है उस दिन जिस दिन वो वाकयात होया तो एक दिन पहला उन्होंने दुकान से मैं बस जा रहा कुदरती गुड़ मंडी होकर मैं रुक के इन्होंने उत्थे चाह पी के निकले और अगले दिन ये वाकयात हो गया।
मैं खुशी है देख के इन्हों परिवार की सारे साढ़े नाल जुड़े हुए ने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 पंजाब लोक कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुगनी हो तरक्की दी रफ्तार इस वक्त कैप्टन ते मोदी दी सरकार, डबल इंजन सरकार। तो पहली बार है कि बहुत देर बाद के पटियाला इकट्ठे हुए हैं, एको ही साढ़े असी एको ही मोटे ना मोटा जोड़ के चलना है। तो गांधी मेहर है, वाहगुरु की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है, और मैं आस करता है कि आने वाले समय के जंग को आप अगे बधाइए। ये जंग पटियाले का मैं जैसे हर वेले कहना मैं थोड़े को छड़ के जाना है, क्योंकि मैं मेरा जंग हो रहा है कि मैं कैप्टन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गजेंद्र शेखावत जी और मैं साड़ी ड्यूटी, साड़ी ड्यूटी सारे पंजाब से लगी है। तो बीबा जयेंद्र कौर ने संभाले होया, बीबा जयेंद्र कौर जिंदाबाद, बीबा जयेंद्र कौर जिंदाबाद। कि अगली बार मैनू कट के उन्होंने ना बुला देना। कैप्टन साहब एक मेरी छोटी रिक्वेस्ट थी, जिंदाबाद कैप्टन साहब, जिंदाबाद कैप्टन साहब, जिंदाबाद कैप्टन साहब, माता की जय। थैंक यू कैप्टन साहब, कैप्टन साहब एक मेरी छोटी रिक्वेस्ट सी जी, मैं जी जिहड़ा अपना फीसां दा केस चल रहा है मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच, मानयोग हाई कोर्ट दे विच, जिहड़ा LPA 409 है जी, ते मैं उहदा मुख जिहड़ा बिनेकार है जी, जिहड़ा जिहदे विच सरकार भी पार्टी सी, एक प्राइवेट स्कूल वाले भी पार्टी सी, जिहड़े एसोसीएशन सी मेरी पार्टी। हाँ जी, मैं भीर अपने छोटे मनी भीर नूं भी गल करी सी, अपने हंस भीर नूं भी गल करी कि तुहाडे नाल मिलाओ जी मैनूं, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਕਿਡ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਰੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ, ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਅਗਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਰਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਕਾ ਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੁੱਕਾ ਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮਿਲਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰੋ ਆਇਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਇਓ ਥੱਲੇ, ਆਇਓ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਚੱਲ